अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं इस शॉपिंग से। बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, सऊदीया का लोकल ब्रांड है ये, टॉप 10। तो ये हर सिटी में है यहाँ के, ना जद्दा, मक्का, मदीना, जहाँ भी आप चले जाओ ये शॉप आपको ज़रूर मिलती है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये शॉप। एक तो इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको अच्छे ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं लेस प्राइस पे, और उसके अलावा बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी होती है यहाँ पे ना। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे इतना रश क्यों है। एक्चुअली हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे तो अज़ान हो गई, और अज़ान के वक्त ना यहाँ पे ये लोग शॉप्स क्लोज़ कर देते हैं सऊदीया में। तो जैसे ही अज़ान ख़त्म होती है, मतलब नमाज़ वग़ैरह, उसके बाद ये ओपन करते हैं। तो इतनी देर में मैंने कहा मैं ये स्टॉल्स चेक कर लेती हूँ। इसी शॉप के बाहर ना ये स्टॉल्स वग़ैरह भी लगे हुए थे ज्वेलरी के। मोस्टली मैं इस तरह की इतनी ज्वेलरी लेती नहीं हूँ, मुझे इतनी मतलब गोल्डन गोल्डन नहीं अच्छे लगते आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। तो बस मैंने सोचा जस्ट क्लिप बना लेती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। ये एक रिंग मुझे अच्छी लगी थी, आई थॉट कि इसको ट्राई करके देखूँ। ऐसे स्टॉल से भी कभी कभी आपको कुछ अच्छा मिल जाता है, पर मैंने बस ट्राई ही किया और मुझे इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। अभी यहाँ पे ये शॉप ओपन करने लगे थे और देखें कितना रश है। ऐसे ही होता है यहाँ पे ना, जब भी नमाज से पहले आप कभी जाओ तो इतनी ही आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद शॉप ओपन होती है। तो जी, सबसे पहले तो उन्होंने आपको चेकिंग का एक पॉइंट बनाया हुआ था वहाँ पे, कोविड का जो आजकल चल रहा है सारा, वो चेक करके तो मैं अंदर आ गई थी। और ये देखें ये कितनी बड़ी शॉप है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ब्रांड्स के लेस प्राइस पे ना आपको कपड़े मिल जाते हैं, बच्चों के, जैसे सर्दियों के लेने हों या गर्मियों के, या कोई भी अच्छी चीज़। जो लोग खबर में हैं वो इधर जाके ट्राई करें। ये शॉप दमाम में है बेसिकली, और दमाम खबर हाईवे से आगे जाके आपको जो है ना इसकी लोकेशन आपको इजीली अवेलेबल होगी। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दे देते हैं आपको इस शॉप का, कि ये कितनी बड़ी शॉप है। बहुत अच्छी यहाँ पे शॉपिंग हो जाती है, और ये है कि आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है और टाइम लगा के और थोड़ा सा देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे हानिया भी देखें अपनी मतलब की चीज़ें उसने भी उठा ली थी और ये भी अपनी चीज़ों के साथ इंजॉय कर रही है। आज के व्लॉग में एक और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने करना क्या था और हमारे साथ क्या हुआ। अभी आगे आगे देखें, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि कैसे प्लान जो है ना हमारा चेंज हो गया। ये भी मैं आपको विजिट कराती हूँ ये स्टोर। पे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, ये देखें कपड़ों के कितने ज़्यादा स्टॉल्स हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर से भी सारा इसका व्यू दे दिया। तो जी, यहाँ से हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग कर ली थी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैक्सीज किस स्टाइल में होती हैं सऊदीया में। ये देखें इस तरह लॉन्ग मैक्सीज बहुत ज़्यादा चलती हैं यहाँ, जो मतलब अरबी लोग पहनते हैं। मुझे तो ऐसी चीज़ें वैसे इतनी ज़्यादा मैं नहीं लेती, मैं अपना पाकिस्तानी ही रखती हूँ आउटफिट। हम बात कर रहे हैं सैटरडे मॉर्निंग की, और यहाँ पे सुबह हो चुकी है। मैं बना रही थी आज कुछ मज़े का ब्रेकफास्ट, बिकॉज़ जब हस्बैंड्स कर रहे हो तो आप कुछ स्पेशल ही करते हैं ना। सबसे पहले मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है बटर से। आपने मेक श्योर कि करना है कि बटर जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ ऑमलेट, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत क्विक रेसिपी है। आपने लाइट फ्लेम पे ना इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, और जब आप मिक्सचर बनाएंगे एग का, उसके अंदर आपने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देना है, उससे आपका बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट बन जाएगा एग। ये देखें इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था, तो थोड़ा सा आपको पतला भी लग रहा होगा। बहुत क्विक रेसिपी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इजीली। तो आज मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने जाना था आज बाहर, और हमारा पूरा प्लान था कि हम बाहर जाएंगे, कॉर्निश एंजॉय करेंगे आज। तो देखें अभी क्या हुआ, हम गए वहाँ पे और हमारे साथ क्या हुआ तो जी, फिलहाल हम एंजॉय करते हैं ये ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ये मैंने चीज़ डाल दी है इसके ऊपर,
और ऑलिव्स डाल दिए हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया था। अगर आप लोग चाहें तो आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं, हालापिनोस डाल सकते हैं, टोमेटोज़ मतलब कैप्सिकम, वट एवर यू लाइक यू कैन ऐड इट। एंड दिस इज़ आवर चीज़ ऑमलेट, जो बहुत मज़े का बन गया था। उससे फ्री होके तो हम निकल गए थे बाहर, और अभी हनी मैं लुक आपको हियर, दिखाती हूँ हानिया की खुशियाँ। हनी लुक हियर, अब अभी हम बाहर निकल चुके थे और मेरे हस्बैंड को दमाम एक काम था, तो ये अभी हम दमाम जा रहे हैं। ये सारा जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है दमाम का। देखें सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और इतनी यहाँ पे जो है ना आबादी वगैरह भी नहीं है। तो वी आर गोइंग टू दमाम, जब हस्बैंड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से वापस आगे हम निकलेंगे कॉर्निश के लिए, और दमाम कॉर्निश ही जाएंगे हम। पुराना कॉर्निश है यहाँ का, आई विल शो यू। और जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, सारा प्लान ही चौपट हो गया, हमें थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे देखें हानिया कितना मज़े से इंजॉय करी है। जब मैंने लगाई ग्लासेस तो उसको भी साथ साथ ही चाहिए थी। तो अभी यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, सनशाइन। कभी कभी ऐसा आपको लॉन्ग ड्राइव भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है ना, आप आपकी रूटीन चेंज हो जाती है, यू फील फ्रेश। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सनसेट और सनशाइन, इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं वो। और हानिया ने यहाँ पे अपना खूब इन्जॉय किया, मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड पे लगा दी था कि आप लोग यहाँ पे बोर ना हो। और अभी ये सारा यहाँ से हमने काम वगैरह कर लिया था, और अभी हम जा रहे हैं खुबर वापस। खुबर और दमाम में ना थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। आप ऐसे कह लें कि 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव होगी, पर टाइम लग जाता है जाते जाते। और जब हम पहुँचे इधर दमाम बीच पे, तो यहाँ पे हुआ ये कि बिल्कुल अंधेरा हो गया। और यू नो कि जब अंधेरा हो जाए तो आप यहाँ ज़्यादा स्टे करने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि दिन की रोशनी में आप लोग बैठ के थोड़ा सा पानी के साथ व्यू और ये वो इन्जॉय करते हो। खैर ऐसे भी बहुत अच्छा लगा। ये अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, और बिल्कुल जब हम पहुँचे तो यू नो आजकल मगरिब जल्दी हो जाती है और अंधेरा भी जल्दी हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा हो रहा था। तो फिर भी मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना फिर जल्दी निकलेंगे और हम उस दिन कोई काम नहीं करेंगे। ये देखें यहाँ पे सारे हट्स वगैरह बने हुए थे। यहाँ का ना एक्चुअली कुछ एरिया ना अभी इन्होंने क्लोज भी किया हुआ था, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि ये पुराना है ना, मैंने अभी आपको बताया पुराना कॉर्निश है ये दमाम। जब न्यू वाला कॉर्निश मैं आपको विजिट कराऊंगी तो वो बहुत ही आउट क्लास है, वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। इस साइड पे सारा जो है ना पानी है, बोट है, आप मतलब बोट पे भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर। पे बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा हो चुका था, और फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी क्लिप्स तो शेयर कर लूँ ना, मेरी और मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो लोग इन्जॉय करें। और बहुत अच्छी हवा थी, इट वॉज़ सो अमेजिंग, बहुत मज़ा आया था हमें। और मैं तो थोड़ा सा नीचे भी चली गई थी, मतलब सैंड में थोड़ा सा आगे, मैंने कहा जाके थोड़ा सा पानी का व्यू ले लूँ और कुछ क्लिप बना लूँ, बट इट वॉज़ सो डार्क। तो बट फिर भी आई इन्जॉयड अलॉट। आप लोग भी विज़िट कीजिएगा, बट थोड़ा सा जल्दी जाइएगा, हम थोड़ा सा लेट हो गए,
अब ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो घर आते ही जनाब मैंने बनाया था अपने लिए वो विंटर कहवा, आप लोगों ने अगर ट्राई किया हो तो मुझे मेरे साथ उसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और खाना वाना हमने रास्ते में ही खा लिया था, यू नो वीकेंड्स पे हम बाहर से ही ले लेते हैं। और आज मैंने ना इस कहवे में अदरक डाली है और मैंने इसमें डाला है सूखा पुदीना। ये इसलिए मैंने आपके साथ ये क्लिप शेयर किया ताकि जो लोग अगर सूखा पुदीना डाल के बनाना चाहते हैं तो वो उसको इस तरह से बना लें, तो ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो जनाब अब मैं चलती हूँ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।